सोचो कि आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर एक लाल कलर का पॉपअप ऐड आए और अगले दिन उसी ऐड को देखने की वजह से आपकी मौत हो जाए। ऐसी ही कहानी है द रेड रूम कर्स की। ये बात है साल 1990 की, जब जापान में लोग कंप्यूटर पर इंटरनेट यूज कर रहे होते थे, तब उनकी स्क्रीन्स पर एक लाल कलर का पॉपअप ऐड आता था जिस पर लिखा होता था कि डू यू लाइक द रेड रूम। और जैसे ही उस पॉपअप को कोई बंद करने की कोशिश करता था, उसकी स्क्रीन पर अचानक से बहुत सारे नाम आ जाते थे और फिर कंप्यूटर की स्क्रीन पूरी तरह से लाल हो जाती थी। फिर जैसे ही सामने बैठा इंसान पैनिक होकर कंप्यूटर बंद करने या रूम से भागने की कोशिश करता था, उसके बाद उस इंसान की अगले दिन लाश मिलती थी और उसकी रूम की एक दीवार उसके खून से पूरी लाल हुई मिलती थी। लेकिन इस रेड रूम कर्स से कुछ लोग बच भी गए थे, पर बचने के बाद या तो उन्होंने किसी दूसरे इंसान का मर्डर कर दिया था या वो पूरी तरह से पागल हो गए थे। पर हैरानी की बात तो ये है कि इस पॉपअप को किसने बनाया था, ये आज तक पुलिस भी नहीं पता लगा पाई है। और कुछ टाइम के बाद ये पॉपअप अपने आप गायब हो गया था। लेकिन आप इस रेड रूम कर्स के बारे में क्या कहना चाहते हो, कमेंट करके ज़रूर बताना। और हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर देना।